हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट जो लेफ्ट ओवर ब्रेड से है। कभी कभी हम, जैसे ये नहीं कि आपकी बहुत बासी ब्रेड है, फ्रेश नहीं है, बट क्या होता है जब हम ब्रेड का पैकेट खोलते हैं तो आगे पीछे के ये पीस जो हैं वो हमारे बच जाते हैं और इसका सैंडविच कोई भी खाने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि ये फ्रेश होता है। तो चारों पीस मैंने ऐसे लिए हैं जो दो ब्रेड के हैं, तो इनका मैं बनाऊंगी ब्रेड क्रम्ब। पहले मैंने बनाना बता रखा है, फिर भी मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने बीन्स कट कर लिए हैं, 10 to 15 बीन्स हैं। एक चम्मच मैंने चना दाल को सोक कर दिया है। कुछ करी लीव्स मैं इस तरीके से पेपर नेपकिन में करके रखती हूँ, फ्रेश साफ करके रखती हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश लग रही हैं। और इसको 6 डेज हो गए हैं टपरवेयर के डब्बे में। दो मीडियम प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, एक गाजर को मैंने चॉप कर लिया है, चॉपर से चॉप किया है, नमक स्वाद के अनुसार है, और 2 टेबलस्पून हम ऑयल यूज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है, एक हरी मिर्च भी हम बारीक काट लेंगे, और 1 चम्मच के करीब मैं राई भी इस्तेमाल करूंगी। तो ये वैसे जब भी कभी आप इंग्रेडिएंट्स देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो ये तेल गर्म होने वाला है, तो अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच राई और 10 से 15 करी लीव्स और प्याज कटा हुआ, इनको करेंगे मिक्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें, और मैं अच्छे अच्छे ब्रेकफास्ट आपके लिए लाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, इसमें डाल देंगे हम ये भीगी हुई चना दाल। कई बार आप देखते हैं उपमा में उड़द दाल और चना दाल सूखी भी रोस्ट करते हैं, मगर मैं इस तरह से डालती हूँ, आप इस तरह से बनाकर देखिएगा। इसको हम थोड़ा सा भुनने देते हैं। अब डालेंगे हम इसमें एक हरी मिर्च कटी हुई, आप देख सकते हैं, और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्की सी ये पिंकिश हो जाए बस उतना ही रखना है, ब्राउन नहीं करना है। इसमें डाल रहे हैं हम थोड़ा सा नमक, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें बीन्स। 10 से 15 बीन्स आप कट करके डाल सकते हैं, बीन्स अच्छी लगती हैं, और बीन्स और गाजर का कॉम्बिनेशन मुझे जो है वो बहुत अच्छा लगता है। इसमें डालेंगे हम गाजर जो मैंने आधा कप के करीब ली है, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। चॉप करने के बाद ये आधा कप है, तो इनको हम थोड़ा सा सौते करते हैं, ठीक है। तब तक मैं आपको ब्रेड क्रम्स बनाना बताती हूँ। तो हम मिक्सी ग्राइंडर जार में इनके ये जो पीसेस हैं इनको छोटा छोटा कर लेंगे ब्रेड के, ताकि हमें पीसने में आसानी रहे। और पहले हम दो दो ब्रेड करके पीसेंगे, ये ड्राई ग्राइंडर जार है तो बहुत जल्दी इसमें पिस जाता है। और देखिए, ये भी मैं आपको बताऊं, कभी कभी बहुत मोटी ब्रेड होती हैं और कभी कभी आगे पीछे की बहुत पतली होती हैं, तो मैं आपको कप से मेजर करके बताऊंगी। पीस मैं 4 ले रही हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको कप से मेजर करके बताऊंगी। और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का हो गया है, ऐसे इधर तरह फ्रेश। तो अब हम इसको मेजर कर लेंगे, मैं इस कप से मेजर करके आपको बताती हूँ ताकि वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी ना हो। तो ये टोटल मैंने 2 कप लिया है, 2 कप 4 ब्रेड पीस से बन गया है, आप चाहें तो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, इनको बहुत ज्यादा हमें नहीं गलाना है, थोड़ा क्रंची रखना है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये वेजिटेबल्स लग रही हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप पानी, इसको अच्छे से करूंगी मिक्स, और नमक चेक कर लेंगे हम, थोड़ा सा तेज रखेंगे इसमें। बाकी मैं इसमें कुछ नहीं डाल देंगे क्योंकि मुझे सब्जियों का टेस्ट अच्छा लगता है। और इसके बाद डाल देंगे हम इसमें ये ब्रेड क्रम, इसको मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर आपको कम लगता है तो ऊपर से छींटा दे सकते हैं, मैंने इतना यूज़ किया है। इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। अब ये मिक्स हो गया है बहुत अच्छे से, मैंने इसमें नमक टेस्ट कर लिया है, नमक बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आप जब हल्का सा गीला रहेगा तभी नमक डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढककर पकाऊंगी।
तो आइए चेक कर लेते हैं। और ये देखिए परफेक्ट हमारा जो उपमा है वो बनकर तैयार है। इसकी करते हैं प्लेटिंग। आप सूजी का उपमा खाना भूल जाएंगे जब ये टेस्टी उपमा खाएंगे। देखिए बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है, बिल्कुल खिला खिला बना है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो ये देखिए, और हम मैं यहां बताना चाहूंगी कि मैंने ये आटे की ब्रेड से यूज किया है, आटा ब्रेड यूज की है, तो आप कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं। इसलिए हल्का सा ब्राउनिश कलर है, बहुत बढ़िया कलर है। ये मैंने कटोरी में जमा के उसको उल्टा कर दिया है, और इस तरह से आ चाहें तो आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी लगने वाला ये उपमा, नारियल की चटनी से सर्व कीजिए। थैंक यू सो मच।